नमस्कार दोस्तों वी वी आर क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है देखिए भैया आज आपके लिए जैसा आप देख पा रहे हैं कि यू पी एस आई एस एस सी जी डी यू पी टैट सुपर टैट का एक टेस्ट है जिसमें क्या चालीस क्वेश्चन है आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए दे सकते हैं भैया अच्छे से आप इसको पढ़ें और एक एक प्रश्न को खुद करने का प्रयास करें उसके बाद जैसे ही मैं आपको दो दो तीन तीन सेकेंड या पाँच सेकेंड का समय दूंगा आप अपने आंसर का जवाब दें देखें और उसके बाद जब आप पूरी वीडियो देख लें वीडियो देखने के बाद आप लोग बताएंगे कि मेरे कितने सही रहे और कितने गलत रहे आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर बताएं पहला है यानी कि ये शुद्ध वाक्य का चयन करना है आपको शुद्ध वाक्य का चयन करने का मतलब है कि आपके तीन वाक्य कैसे दिए गए होंगे अशुद्ध अर्थात जो गलत होंगे एक वाक्य आपका कैसा होगा शुद्ध होगा उस शुद्ध वाक्य का आपको क्या करना है चयन करना है अच्छा पहला क्वेश्चन है कि मेरी पाँच बहनें और एक भाई है अगला क्वेश्चन है कि मेरी मेरी पाँच बहनें और एक भाई है मेरा एक भाई और पाँच बहनें हैं मेरा मेरी एक भाई और पाँच बहनें हैं तो देखिए जो पहला वाला आप, आपका वाक्य है एक चीज़ मैं इस वाक्य को शुरू करने से पहले बता दूँ कि जब भी आपको शुद्ध और अशुद्ध वाक्य का चयन करना हो और जब भी आपको ऐसा लगे कि मेरे जो वाक्य दिया गया है उसमें बहुवचन शब्दों का प्रयोग पहले और एक वचन शब्द का प्रयोग बाद में किया गया है तो हमेशा याद रखना कि एक वचन का प्रयोग आप पहले करेंगे और बहुवचन का प्रयोग आप बाद में करेंगे क्या आ, मैं समझ पा रहा हूँ क्या आपको मेरी बात समझ में आई होगी तो देखिए मेरी पाँच बहनें और एक भाई है अर्थात पांच बहनें ये शब्द कहाँ आना चाहिएगा बाद में जाना चाहिएगा और दूसरी बात जब आप इसे हिंदी में पढ़ रहे हैं तो आपको पांच अंक ना लिखकर यानी कि क्या करना था एक शब्द के रूप में लिखना होता है जैसे क्या इसमें लिखा हुआ है पांच ये बात ठीक है बिल्कुल इसमें से कि यहाँ पांच इस तरीके से होना चाहिए लेकिन दूसरा वाला भी कह रहा है कि मेरी पांच बहनें और एक भाई है तो भाई इसमें भी किसका बहुवचन का प्रयोग पहले कर दिया गया इसलिए ऑप्शन नंबर बी और ए दोनों गलत हो गए इसके बाद ऑप्शन नंबर तीन है मेरा एक भाई और पांच बहनें हैं देखें जहाँ भी आपका है होगा अगर है आपका इस तरीके से दिया गया है तब समझ लेना एक बच्चन के लिए प्रयुक्त है जब इसके साथ अनुस्वार जोड़ दिया गया तब समझ लेना बहुवचन के लिए प्रयुक्त है अर्थात मैं ऑप्शन नंबर सी ठीक लग रहा है लेकिन मैं ऑप्शन नंबर डी पढ़ना भी उतना ही जरूरी है जितने क्या मैंने ऑप्शन आपके तीन पढ़े हैं मेरी एक भाई और पांच बहनें ये तो भाई निहायती गलत हो गया देखते ही इसका मतलब इसका आंसर कौन सा हो गया सी हो गया बात समझ में आई होगी अगला क्वेश्चन है कि माता पिता की सुसुरसा करनी चाहिए भैया सुसुरसा नहीं होती यानी कि माता पिता की इज्जत होती है या माता पिता की सेवा होती है वो करनी चाहिए इसलिए ऑप्शन नंबर आपका ए भी गलत हुआ इसके बाद आता है तूफान उगने का संदेह है भाई तूफान उगने का संदेह नहीं होता यानी कि उसका क्या है यानी कि तूफान आने का तो भाई उगने का नहीं होता अनेक निपराधी दंड के भागी हुए ये देख सकते हैं ठीक हो सकता है इसके मात्र दो एकमात्र दो कारण हो सकते हैं भाई एक तो प्रयुक्त कर दिया क्या एकमात्र और उसके बाद क्या बता दिया दो इसलिए ऑप्शन नंबर डी भी गलत तो इसका भाई आंसर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बात समझ में आ रही होगी टेस्ट बहुत महत्वपूर्ण है आप इसे बिल्कुल भी मेरे भाई हल्के में लेकर ना पढ़ना बहुत बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आया हूँ चालीस क्वेश्चन है वीडियो को अंत तक देखो ये पक्का है कि क्वेश्चन भाई ज़्यादातर आपके वही रिपीट हो रहे हैं जो टेस्टों में कराने का की कोशिश की जा रही है अब देखें इसमें से क्वेश्चन नंबर तीन है आपका कि वह एक महिला विद्वान थी भैया महिला कभी विद्वान नहीं होती पुरुष विद्वान होता है इस बात को दिमाग में अच्छे से बैठा लो यहाँ विद्वान की जगह क्या होना था विदुषी होना था अगला कि वह विदुषी महिला थी वह विदुषी महिला थी भाई क्वेश्चन ये आपका ठीक हो सकता है लेकिन अगला देखें वह विदुषी महिला एक विदुषी महिला थी वह भाई गलत है क्योंकि आपका कर्ता का प्रयोग वाक्य में सर्वप्रथम किया जाता है वह एक विद्वान महिला थी यहाँ भी किसका जिक्र कर दिया विद्वान का तो भाई डी भी गलत ए भी गलत तो भाई ऑप्शन कौन सा बच्चा आपका ऑप्शन नंबर बी इसके बाद क्वेश्चन नंबर चार की ओर बढ़ते हैं वह प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा वह प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा एक ये है वह सह प्रमाण के साथ अपनी बात बताएगा देखो वो कह रहा है कि वह प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा बात ठीक हो सकती है लेकिन भाई चार ऑप्शन पढ़े बिना मैं इसे ठीक नहीं कर सकता वह सह प्रमाण के साथ अपनी बात बताएगा अर्थात इसमें सह प्रमाण का भी मतलब वही है के साथ का तो भाई इसलिए ऑप्शन नंबर बी गलत एक प्रमाण के सहित अपनी बात बताएगा ये तो भाई पढ़ते ही जिंदा गलत लग रहा है वह सह प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा भैया ये भी क्या वही सहित वाली बात आएगी और क्या सह प्रमाण या तो इसमें सह नहीं होता वह प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा बात बिल्कुल ठीक हो जाती तो इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा बचा आपका ऑप्शन नंबर आपका भैया ए यही क्या होगा आपका ठीक ऑप्शन नंबर डी भी क्या हो गया गलत इसके बाद क्वेश्चन नंबर पाँच आता है कि इस ग्रंथ का निर्माण तुलसीदास ने किया भैया निर्माण नहीं होता कभी भी क्या होता है के रचयिता होते हैं रचनाकार होते हैं ठीक है निर्माण नहीं होता निर्माण होता है जैसे कि आपका मकान है उसे बनाएं तो उसका क्या होता है निर्माण होता है समाज की वर्तमान दशा चिंताजनक है भैया ये क्वेश्चन ठीक सा लग रहा है कुछ मैंने तरह तरह के रेशम के कपड़े पसंद किए हैं तरह तरह के रेशम के भाई तरह तरह कह दिया और उसके बाद एक निश्चित चीज़ कह दी क्या रेशम तो भैया इसलिए तरह तरह की वजह से ये क्या हो गया गलत अगला तुम्हारी दृष्टि हमारी पुस्तक पर होनी चाहिए तुम्हारी दृष्टि तुम्हारी पुस्तक पर नहीं ऐसा होता कि तुम्हारी दृष्टि अपनी पुस्तक पर होनी चाहिए तब ठीक होता है इसलिए ये भी गलत ये भी गलत भी, भी गलत तो भाई वो ऑप्शन कौन सा बचा आपका ऑप्शन नंबर ए ठीक है क्लियर हो गई होगी बात इसके बाद आपके ये हैं कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जिसकी आशा न की गई हो उसके लिए एक शब्द बना बताना है प्रत्याशा अप्रत्याशित आशा आशातीत अप्रत्याशा प्रत्याशा तो भाई कौन सा होगा इसका तो होता है जिसकी आशा न की गई हो अप्रत्याशित क्या कहते हैं उसे अप्रत्याशित ठीक है अगला क्वेश्चन नंबर सात है आपका क्वेश्चन नंबर सात कह रहा है कि जिसके पास कुछ भी न हो जिसके पास कुछ भी ना हो भाई गरीब होगा भाई गरीब है तो उसका मतलब उसके पास कुछ ना है क्या कुछ ना कुछ तो होगा अकिंचन अब भैया ये भी नहीं पता जब अर्थ पता हो तभी तो दरिद्र दरिद्र कहते हैं मतलब जो क्या कमजोर हो पिछड़ा हुआ हो उसके लिए विनीत विनीत मतलब जो क्या आपके आपसे उम्मीद लगाए बैठा हो तो भाई उसके पास कुछ ना कुछ तो होगा ऐसा तो नहीं है तो किंचन का मतलब कहते हैं जिसके पास बहुत कुछ हो अकिंचंचन का मतलब होता है जिसके पास कुछ भी हो बात समझ में आई क्वेश्चन नंबर आठ की ओर बढ़ते हैं भाई आदि से अंत तक यानी कि जो आदि का अर्थ होता है शुरू और अंत का अर्थ होता है लास्ट अब भैया आदि से अंत तक के लिए अध्योपांत आदि दिगान्त अंति तो भाई इसका होता है अध्योपान अध्योपांत मतलब अध्यो अगर आप इसे तोड़ेंगे भी तो भाई ये कैसे आदि धन किसमें टूटेगा अंत में ठीक है शुरू से आखिर तक जिसके बराबर कोई न हो अब भैया जिसके बराबर कोई न हो यानी कि विलक्षण अनुपम असाधारण लोकातीत अब इनमें से आपको आंसर चुनना है भाई जिसके बराबर कोई न हो तो जैसे कहते हैं भगवान तेरी कृपा बड़ी अनुपम है अनुपम मतलब यानी कि तेरी बराबरी कोई नहीं कर सकता तो इसलिए इसका आंसर कौन सा बी तो भाई क्वेश्चन नो हो गए आपके क्लियर हो गई होगी बात इसके बाद भाई चलते हैं क्वेश्चन नंबर कहाँ दस की ओर पर्वत की तलहटी यानी कि पर्वत की जो तलहटी अर्थात उसका आधार होता है उसे हम क्या कहते हैं देखिए पर्वत की तलहटी को कहते हैं द्रोण नहीं भैया बेसिन कभी नहीं घाटी घाटी का पाइप तलहटी से मतलब थोड़ी है उसे कहते हैं ए उप उपत्यका उपत्यका क्या कहते हैं भैया उपत का अगले आपके क्वेश्चन है किसके विलोम शब्दों के तो विलोम शब्दों में से पहला विलोम शब्द है आप यानी कि क्वेश्चन है कि विमुख का विलोम शब्द है तो भाई विमुख अब भैया विमुख का मतलब क्या होता है विमुख होता है यानी कि क्या जिसके ओर मुख न कर रखा हो अर्थात अमुख अमुख का मतलब हो गया जिसका ही ना है प्रमुख प्रमुख हो गया कोई मुख्य है में से कोई नहीं एक क्या बचा आपका उन्मुख उन्मुख होगा इसका आंसर ठीक है बात क्लियर हो रही होगी अगला आते हैं क्वेश्चन है। मतलब होता है यानी कि एक अज्ञा मतलब जानना अल्पज्ञा मतलब वो जो बहुत कम जानता हो ऐसा तो नहीं है कि उसका उल्टा हो गया हो बहुज्ञ जो क्या बहुत कुछ जानता हो सर्वज्ञ जो सब कुछ जानता हो और विज्ञ मतलब जो जानता हो इसका वन सा हो जाएगा मेरे भाई विज्ञान कृत्रिम का विलोम है प्राकृत असली अप्राकृतिक निर्मित देखे अब इसमें से असली का मतलब तो भाई असली तो कृत्रि आपका जो है कृत्रिम का मतलब है जो क्या व्यक्ति जिसका निर्माण करता है उसे कहते हैं कृत्रिम जैसे आजकल कृत्रिम खेती की जा रही है कृत्रिम बहुत सारे सामान बनाए जाते हैं तो वो कैसे होते हैं कृत्रिम और भैया प्राकृतिक क्या होते हैं जो क्या यानी कि प्रकृति द्वारा सतह प्राप्त होते हैं तो कृत्रिम का वैसे तो क्या होगा आपका प्राकृत लेकिन असली का मतलब तो आप समझ गए अप्राकृति का मतलब हो गया यानी कि जो क्या आपका कृत्रिम है निर्मित का मतलब भी वही हो गया जो क्या है आपका कृत्रिम है अर्थात इसका कौन सा होगा प्राकृत अनुकूल शब्द का विलोम शब्द है एक का आपका आंसर पहला है प्रतिकूल अपकूल अनुकूलन सानुकूलन तो इसका क्या होता है अनुकूल का प्रतिकूल इसमें तो कोई दिक्कत ही ना है उत्कर्ष का विलोम है भैया ये अच्छा है उत्कर्ष उत्कर्ष अपकर्ष परामर्श संघर्ष विमर्श तो भाई उत्कर्ष का होता है क्या आपका अपकर्ष ठीक है आगे हैं भैया निर्देश दिया गया है कि प्रश्न सोलह से उन्नीस निम्नलिखित वर्ग में से एक शब्द वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध वर्तनी को चिन्हित कीजिए मतलब एक शब्द वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध वर्तनी का चिन्हित कीजिए अब भैया इसका मतलब है कि तीन शब्द आपके बिल्कुल भैया ठीक होंगे एक शब्द कैसा है आपका गलत है अब जब गलत है तो उस गलत का ही चयन करना है क्वेश्चन नंबर सोलह नियुक्त भैया सही है सर्वेक्षण बिल्कुल ठीक है अंतर्गत अब इसे हम पढ़ेंगे अंतर्गत अगला है परिषद अब भैया इसमें तो सारे एक से लग रहे है। लेकिन मेरे भाई गलती कहां है कि अंतर्गत नहीं है ये, ये है अरंतगत क्योंकि ए फिर क्या निकालोगे तुम आधा न और फिर उसके बाद निकाल बैठोगे तुम क्या आधा र इसका मतलब ये है तो भाई इसमें क्या होना है कि ये जो अंतर्गत लिखा जाना था तो वो अंतर्गत लिखा जाना था आपका किस प्रकार से ए आधा न ते और ग के ऊपर और फिर क्या ते ये लिखा जाना था अंतर्गत तो इसलिए भाई इसका कौन सा भाई गलत हो गया यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी बात क्लियर हो गई होगी इसके बाद आते हैं कौन से पर क्वेश्चन नंबर सत्रह प्रतिज्ञा व्यय उत्थान प्रश्न भाई सारे ठीक से लगे हैं लेकिन भैया गलत कौन सा है इसमें से गलत है कौन सा मेरे भाई प्रतिज्ञा क्यों क्योंकि इस पर तय कौन सी मात्रा लगती छोटी की यानी कि आपका जो प्रतिज्ञा लिखा जाता वो कैसे लिखा जाता इस प्रकार देखो भाई एक एक मात्रा की वजह से आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो सकता है तो इसलिए क्वेश्चन नंबर सत्रह का आंसर कौन सा हो गया ए इसके बाद आप देखें कि अग्नि उज्जवल स्वच्छंद इष्ट बिल्कुल अग्नि ठीक है स्वच्छंद भी ठीक है इष्ट भी ठीक है कौन सा गलत है उज्जवल. आप देखते ही पहचान गए होंगे क्यों क्योंकि उज्जवल जो बनता है वो आधा जय जय व और उसके बाद क्या लिखा जाता है मेरे भाई ल यानी कि दोनों जय कैसे बनते हैं इसमें आधे अगर यहीं से एक प्रश्न और क्लियर कराता हूं मैं आपका कि उज्जवल जो होता है तो अगर इसका विच्छेद या विग्रह करते हैं हम तो इसका विच्छेद विग्रह होता है उत धन ज्वल अगर भाई ये जय तुम्हारा पूरा होता तो ये ज्वल नहीं बनता ये बनता क्या जवल क्या बनता जवल बनता ठीक है बात क्लियर हो गई होगी भाई इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर उन्नीस कह रहा है इनमें से कौन सा गलत है कि पुनरवलोकन सौंदर्य पुनरागमन अभ्यारण्य अब भैया इसमें से कौन सा गलत है अब इसमें से जो गलत है आपका देखिए ये थोड़ा सा इसमें शायद मिसप्रिंट हो गया ठीक है अब वैसे तो ये भी दोनों ही गलत हैं ए और सी दोनों ही गलत लग रहे हैं मुझे तो लेकिन इसमें से अगर आप इसे करेंगे तो ये हो जाएगा पुनरा नहीं सही है भैया सही है सही है सही, सही क्वेश्चन ठीक है क्या है पुनरागमन अब ये पुनरागमन है तो इसका कौन सा होगा आपका ए होगा क्योंकि ए पे भाई मात्रा कहां लगेगी यानी कि वे वह हाँ वह है तो वह के ऊपर लगेगी भाई मिस प्रिंट है थोड़ा सा तो इसका आंसर कौन सा ए अगला वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द है महत्व 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 तत्व अब भैया इसमें से कौन सा भैया सही है सही पूछ रहा हूं गलत नहीं पूछ रहा आपकी बात वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द है तो भाई जब भी लिखा जाता है तो तय के ऊपर भी कैसा तय होता है आधा अर्थात इसका कौन सा ठीक होगा यानी कि इसका ठीक होगा आपका ऑप्शन नंबर कौन सा मेरे भाई ए महतो यानी कि तय वाला नहीं होगा अगला नीचे दिए गए अनेक आर्थिक शब्दों को एक अर्थ के साथ लिखा है दूसरा अर्थ बताइए मतलब एक तो अर्थ के साथ है जैसे क्या इसमें है आपका प्रमत्व और प्रमत्व है तो इसका अर्थ है स्वेच्छाचारी अब तुम्हें दूसरा अर्थ बताना है इसका क्या होता है स्वेच्छाचारी का दूसरा अर्थ होता है कौन सा आपका उन्मत्त अगला है काल काल का मतलब क्या होता है यमराज काल मतलब बोले भैया यमराज आइया तेरा काल आइया तो निंदा काला अवसर या फिर विरोध यानी कि इसका होता है काल का मतलब होता है बोले आज बहुत अच्छा समय है आज आपको अवसर मिल गया आप इस काम को कर दें उर्मी का एक अर्थ होता है प्रकाश तो एक उर्मी का अर्थ होता है क्या मेरे भाई तरंग बात क्लियर हो गई होगी क्वेश्चन तेईस तक आपके हो गए इसके बाद भाई क्वेश्चन नंबर चौबीस की एक इसमें था एक तिरछा था उसका एक है तक्षक तक्षक कहते हैं सूत्रधार अतक्षक का मतलब जब सूत्रधार हो गया तो भाई इसका क्या पूछ रहा है एक बोले इसका दूसरा अर्थ और बता दो तो दूसरा अर्थ होता है तक्षक कहते हैं यानी कि किसे भैया बढ़ई को तक्षक किसे कहते हैं मेरे भाई बढ़ई को बढ़ई अर्थात सूत्रधार मतलब यानी कि काम करने वाला एक द्रोण का अर्थ होता है द्रोणाचार्य एक द्रोण मतलब यानी कि द्रोणाचार्य के लिए प्रयुक्त करते हैं और दूसरा होता है द्रोण द्रोण होता है मतलब यानी कि दोनों एक दूसरे का अर्थ क्या होता है दोनों द्रोण का अगला बहुत अच्छे क्वेश्चन है देखो मैंने कुछ छंद से भी क्वेश्चन लिए हैं भाई आपके दोहा और चौपाई कैसे छंद है अब दोहा और चौपाई कैसे छंद है ये बताने मातृिक छंद है मुक्तक छंद है वार्णिक छंद है या फिर आपका वर्णिक छंद है तो भाई कैसे छंद है ये आपके मातृक छंद है अगला किस छंद में छह चरण होते हैं देखो चौपाई है भाई चार चरण होते हैं सोठा है चार चरण होते हैं बर्वे है चार चरण होते हैं छप्पे में कितने चरण होते हैं छह चरण और छप्पया से मैं बता दूं आपको इसमें रोला इसमें रोला और किसका योग होता है उल्लाला रोला और उल्लाला अब इसे मतलब छप छप पानी में कर रहे हैं छप छप पानी हो गया गंदा तो इसे ऐसे याद रख सकते हो पानी को साफ किससे करेंगे आर ओ से आर से रोला ओ से क्या उल्लाला बात क्लियर हो गई होगी भाई अगला निम्नलिखित शब्दों के चार अर्थ दिए गए हैं आपको सटीक समान अर्थी शब्द का चयन करना है अब भैया यानी कि चार अर्थ दिए गए आपको सटीक समानार्थी शब्द का चयन करना है। अभिज्ञ अभिज्ञ का आपको अर्थ बताना है क्या होता है अभिज्ञा होता है भाई देखो इसमें से अभिज्ञ मतलब जानकार भिक्षुक अभिनेता और क्या है आपका नावा कि अब देखोगे आप इसमें से जो अभिज्ञा होता है अभिज्ञा कहते, है है कहते हैं जो क्या होता है आपका जानकार यानी कि क्या भाई जान का इन्हें पर्यावाची के अंतर्गत रखेंगे कभी सोचो कि समानार्थी अर्थ पर्यावाची अलग अलग ही एक ही चीज होती है भाई अभिज्ञा होता है जो सबको जानता हो यानी जान का परिमल अब जो परिमल होता है तो परिमल का दूसरा अर्थ क्या है सुख सर्वोत्तम गंध विमर्दन सहवास अब बताओ भाई क्या होगा परिमल जो होता है परिमल कहते हैं यानी कि जो आपका गंध है और गंध भी कैसी हो बहुत अच्छी वाली तो उसे कहते हैं किसे आपको सर्वोत्तम गंध को क्या परिमल वरिष्ठ वरिष्ठ का तो आप जानते ही होंगे भाई बोले क्या है यो हमसे वरिष्ठ है वरिष्ठ नेता है वरिष्ठ नेता मतलब बड़े नेता अर्थात यानी कि क्या होगा बड़ा होगा अगला ने संगिक और नये का अर्थ अर्थात यानी कि ने होता है कैसा आपका प्राकृत ना तो कल्पित ना कृत्रिम ना क्या पुरातन क्वेश्चन नंबर छत्तीस की ओर बढ़ते हैं भाई संयुक्त व्यंजन झिय संयुक्त व्यंजन झिय बनता है किससे बनता है गै और इ जय और और इ तो ये किससे बनता है जय और इ मैंने बहुत अच्छे से भैया जो वीडियो बनाई थी उन वीडियो में सब में बता रखा है इसके बाद क्वेश्चन नंबर किसकी ओर बढ़ते हैं भाई अट्ठाइस की ओर क्वेश्चन नंबर अट्ठाईस कह रहा है आपका कि क्वेश्चन भाई थोड़ा सा क्रम ऊपर नीचे हो सकता है आप चिंता ना करें आपको तो केवल क्वेश्चनों से मतलब है ठीक है मैंने वो बार बार ऊपर नीचे ना करा मैंने एक ही बार में क्लियर करा दिया ठीक है अगला निम्न में से सममात्रिक छंद का कौन सा उदाहरण है सममात्रिक छंद यानी कि जिसमें क्या चारों के चारों चरणों में समान मात्राएं हों अर्थात तो, तो, तो आपको पता है अच्छे से पता है बहुत अच्छे से पता है कौन सा होता है चौपाई जिसमें चार चरण होते हैं और चारों के चारों चरणों में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं भाई सोलह सोलह मात्राएं होती हैं दोहा में भी चौबीस होती हैं लेकिन चरणों में नहीं होती हैं तेरह ग्यारह ग्यारह तेरह ऐसे चलता है दोहा सोल्ठा में अगला चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है तो मैंने जवाब दे ही दिया था अभी कितनी होती है मेरे भाई सोलह होती हैं इसके बाद किस छंद का किस छंद का प्रथम व अंतिम शब्द एक सा होता है भाई किस छंद का प्रथम व अंतिम शब्द एक सा होता है बताओ जवाब दो बहुत अच्छा क्वेश्चन है बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ये होता है आपका क्या भैया देखो एक होता है कुंडलिया एक होता है रोला एक होता है दोहा एक होता है सोटा जो आपका कुंडलिया होता है इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दूं तो कुंडल थे कुंडल भैया चोर खींच के ले गए कान फटा अब भैया कान में से खून निकल रहा था डॉक्टर के पास गए दोहा अब भैया और उसके बाद डॉक्टर कैसे लिखते डी आर दोहा और रोला तो जो दोहा का प्रथम और अंतिम दोहा का तो प्रथम और रोला का अंतिम वर्ण कैसे होते हैं एक समान तो इसलिए कौन सा छंद होगा आपका कुंडलिया बात समझ में ही होगी अगला नहीं परागा नहीं मधु मधुर मधु मधु नहीं विकसित यही काल अली कली ही सो बंधियों आगे कौन हवा राजा जयसिंह की पंक्तियां हैं मेरे भाई अब इसमें से बताना है आपको दोहा है सोटा है बरवे है छपे है है क्या तो आप देखें इसमें से अब मात्राएं भी गिनेंगे एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह, उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस कितनी होगी भैया चौबीस अर्थात चौबीस मात्राएँ अब आप, आप देख रहे हैं यति कहाँ हैं आपकी तो यति यहाँ हैं और कहाँ हैं यति यहाँ है तो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह अब भाई तेरह और ग्यारह पे होती है अर्थात इसके पहले और तीसरे चरण में कितनी कितनी होती है तेरह तेरह और दूसरे और चौथे चरण में कितनी होती है ग्यारह ग्यारह तो वो क्रम कहलाता है आपका वो कहलाता है मेरे भाई दोहा इसके बाद किस क्रम में अंतस्थ व्यंजन है है गैग है ये वे वैध नॉर्मल सा प्रश्न है यंजन है व्य व्यंजन ऊष् व्यंजन है महाप्राण है अंतस्त एघोष है ऊष्म तो हो ही नहीं सकता महाप्राण भाई महाप्राण में आपके शा, शा, है शै है, स आते हैं ऐघोष में आपके क्या आते हैं भैया है? एघोष में आते हैं आपके शे, शे, शे। और भैया इसके बाद तो बचा क्या आपका अंतस्थ क्योंकि रे ले वे। अगला निम्न में से कौन सा स्वर नहीं है इनमें से एक है जो आपका स्वर नहीं है तो वो स्वर ए भी स्वर, स्वर है आपका ओ भी स्वर है ए भी स्वर है क्या नहीं है आए है चय वर्ग का कौन सा वर्ण पंचमा वर्ण ठीक है ये क्या है आपका व्यंजन भाई देखो अगर आपको अच्छे लगे हों क्वेश्चन बढ़िया लग रहे हों बेहतरीन लग रहे हों कुछ आपको फायदेमंद लग रहे हों तो आप भाई कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और दूसरी बात एक क्वेश्चन और अभी और करेंगे एक क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क के रूप में भी दूंगा देखें अगर इसमें से कितने ठीक है आपके कितने गलत हुए आपकी ईमानदारी के ऊपर है भाई आप उसे जो है कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर बताएं और जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है जो नए जुड़ रहे हैं अब देखिए मैं प्रयास करूंगा निरंतर कि देखिए थोड़ा सा इस पी को बनाने में बड़ी दिक्कतें हैं बस इसी का समाधान निकाला है तो देखो जल्दी से जल्दी मैं वीडियो डालने की कोशिश करूँगा आपके एस आई यू और ये इन एग्जामों से पहले पहले एस एस से पहले पहले मैं आपको लगभग पंद्रह से बीस टेस्ट प्रोवाइड कराऊँ ये मैंने सोचा है ठीक है जिससे कि आप लोगों का भी कुछ लाभ मिले हो इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर चालीस है कह रहा है क्वेश्चन नंबर चालीस में से कि इनमें से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है अर्थात इन चालीस में 40 में क्वेश्चन में चार में से कोई सा एक संयुक्त व्यंजन नहीं है तो भाई इसे आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताएंगे ठीक है मिलते हैं भाई नेक्स्ट क्लास में बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का ठीक है